हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्रॉम गार्डन टू किचन में। और आज मैं आपको शेयर करा रही हूँ अपने टेरेस किचन गार्डन की। और आप देखिए मेरी छत पर ब्रोकली की बहार। और आज आप मेरे वीडियो को देखिए और सीखिए कैसे आप अपने टेरेस किचन गार्डन में भी एग्जॉटिक सब्जियां पैदा कर सकते हैं। बस आप जुड़े रहिए मुझसे। और आगे बढ़ने के पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, शेयर करें अपने साथियों के साथ जो ग्रीनरी लवर हैं, और जानिए कि कैसे हम अपनी छत पर ब्रोकली को भी ग्रो कर सकते हैं। आगे बढ़े उसके पहले मेरी वही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल फ्रॉम गार्डन टू किचन को और शेयर करें अपने साथियों के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, ये देखिए मेरी ब्रोकली कितना सुंदर गठा हुआ बड़ा सा फूल है। आज इसको काटने वाले हैं। उसके पहले इसके बारे में कुछ बात की जाए भाई। ये हेल्थ के लिए बेस्ट क्रॉप मानी जाती है ना। और इस सीजन में जयपुर में, हम राजस्थान में रहते हैं, यहाँ गर्मी तो काफी होती है, लेकिन सर्दियों में हम हर साल बहुत अच्छी तरह और बहुत सक्सेसफुली ब्रोकली को अपने बगीचे में, हम बगिया में पैदा कर लेते हैं। आपको मैं और भी बताऊं, इसे क्राउन ज्वेल ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। इतना हेल्दी है ये, अद्भुत रूप से इतना ज्यादा स्वास्थ्य के लिए ये फायदेमंद माना जाता है। इसमें विटामिन्स मिनरल्स रिच है। विटामिन्स और मिनरल्स में गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए है। साथ ही इसमें पोटेशियम, फॉलिक एसिड, आयरन और फाइबर भी होता है। आजकल इसका बहुत डिमांड है, लोगों को समझ में आ गया है, उसको खाने का टेस्ट भी डेवलप हो गया है, उसे खाने लग गए हैं, बनाने लग गए हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इसकी पैदावार कैसे लें। पहले तो हम ये ध्यान रखें कि इसको दिन में तेज धूप चाहिए, धूप मिलना इसको बहुत जरूरी है, और फर्टाइल सॉइल भी होनी चाहिए इसके लिए। थोड़ी सी एसिडिक होनी चाहिए इसकी सॉइल। हम इसके बीज भी बो सकते हैं, लेकिन नर्सरी से पौधे लाना ही उचित रहता है। अगर आपको शौक है तो आपको जरूर पता चल जाएगा कि आपके शहर में किस जगह पर ब्रोकली की पौध आपको मिल जाएगी। गोभी और ब्रोकली की पौध मैं भी खरीद कर ही लगाती हूँ। और जब 2-3 हफ्ते की पौध हो जाती है, जिसमें कम से कम 4-5 पत्तियां निकल आती हैं, तब हम उनको लाकर यहाँ प्लांट कर देते हैं और एक बार जगह और बदलते हैं। एक बार जगह बदलना बहुत जरूरी है। ब्रोकली सर्दियों में आसानी से उग जाने वाला पौधा है। अगर आप गोभी पैदा अपने घर में कर सकते हैं तो आप ब्रोकली भी अवश्य ही पैदा कर लेंगे। मैंने करीब 15-20 पौधे लगाए थे और आप देखेंगे हम कुछ खा भी चुके हैं तोड़ के, और कितने सारे तैयार हो रहे हैं वो आपके सामने हैं। ब्रोकली के साथ मैंने गोभी, टमाटर भी लगा रखा है, और गोभी भी थी इसके बीच में जो हमने निकाल ली है। ब्रोकली के लिए खास बात ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्रोकली जो है इसको लोअर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा नाइट्रोजन यूरिया जैसा हम कुछ डालेंगे तो फॉलिएज बहुत ज्यादा हो जाएगा, पत्ते बहुत ज्यादा हो जाएंगे और फ्लावर रेट जो है वो छोटा ही रह जाएगा। और एक बार जब इसकी जड़ें जम जाएं, पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए, लगभग इतना बड़ा, तो छेड़िए मत। जब 4-5 पत्ती हैं, छोटा है, तब आपने उसे ट्रांसप्लांट कर लिया, ठीक है, अब उसको मत छेड़िए। उसको जहां लगा है वहीं लगा रहने दीजिए। अगर बहुत ज्यादा इसमें पानी डल जाएगा, बहुत ज्यादा आप इसमें खाद दे देंगे जरूर से ज्यादा, तो ये बहुत ऊंचा सा ग्रो हो जाएगा, 2 फुट जितना हो जाएगा, और फिर शायद उसमें फूल छोटा है। तो हमें फूल बड़ा चाहिए। नीचे की 2-4 पत्तियां मैं साफ कर देती हूँ, समय पर गुड़ाई वगैरह करते रहते हैं, और जहां तक है मैं इसमें जो न्यूट्रिशन जो भी दिया जाता है लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में देती हूँ, जो ड्रिप लाइन नीचे आप देख सकते हैं, शायद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए नीचे ड्रिप लाइन है। इस ड्रिप लाइन के थ्रू ही मैं इसको देती हूँ हर 15 दिन, 7वें दिन में। शुरू में 7वें दिन दे रहे थे, अब 15 दिन में इसमें हम लिक्विड फर्टिलाइजर दे रहे हैं। और लिक्विड फर्टिलाइजर कौन सा? वही जो हम अपना ग्रीन वेस्ट इकट्ठा करते हैं ड्रम में, और जो उससे लिक्विड टपकता रहता है वही। हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा इसके साथ में कि इसमें फीडिंग और वाटरिंग दोनों शेड्यूल बहुत ढंग से बने रहें। अच्छा, आज जब पानी तो जैसी जरूरत पड़ती है, मिट्टी सूखी हुई दिखाई देती है, तो हम इसमें पानी दे ही देते हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं कि ऊपर से पानी फूलों पर ना पड़े। अगर कहीं कुछ फॉलिएज स्प्रे करना हो तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है पत्तियों पर, लेकिन चूंकि जब ये फूल नहीं आए थे तभी मैंने इसमें नीम ऑयल का स्प्रे 2-3 बार नीम ऑयल और सोप सॉल्यूशन का स्प्रे किया, जिससे किसी भी प्रकार की बीमारी से मेरे पौधे बचे रहे, और रिजल्ट अब आपके सामने है।
तो अब हम क्या करने वाले हैं इसको, आज हम इसे हार्वेस्टिंग इसकी करेंगे, आज हम इसे काटेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि इसको पूरा नहीं उखाड़ना है। क्यों? क्योंकि ये हम ऊपर से मेन फूल निकाल लेंगे और आप देखिए, ये देखिए यहाँ छोटे छोटे और फूल आ रहे हैं नीचे इसके, ये देखिए ये ग्रो करेंगे। छोटे छोटे जो फूल दिख रहे हैं ये भी थोड़े से बढ़ जाएंगे। अब जैसे गोभी और पत्ता गोभी तो पूरी निकाली जाती है, लेकिन ब्रोकली पूरी नहीं निकाली जाती है। तो आज हम इसे काटते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सौते करके इसका बेहतरीन नाश्ता तैयार हो जाता है, बिल्कुल रिच इन मिनरल्स, प्रोटीन्स और फाइबर्स। ये आज कैसे तैयार करूंगी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक यही फूल मैं आज काटने वाली हूँ, देखिए। तो आज हम ले रहे हैं इस क्राउन ज्वेल ऑफ न्यूट्रिशन को, यहाँ से तेज चाकू से काटना चाहिए हमेशा, कैंची वैंची नहीं, तेज चाकू से। और इस तरह इसका ये जो मेन फूल है ये हमने काट लिया, दो छोटे हैं इनको मैंने छोड़ दिया, ये अभी और बढ़ेंगे। इसको उखाड़ने की जरूरत नहीं है, अब ये यहाँ से ग्रोथ लेगा अपने आप ही। ये देखिए यहाँ से ग्रोथ लेगा, छोटे छोटे फूल इसमें और निकलेंगे। और बस अब हमको इसमें पानी वगैरह ध्यान से डालना है, ना तो ये सूखना चाहिए ना सौगी होना चाहिए सॉइल इसकी। तो फिर ये तैयार हो जाएंगे, इतना बड़ा तो नहीं लेकिन छोटे छोटे दो चार फूल इसमें और आ जाएंगे और एक बार इसकी हार्वेस्ट और कर ली जाएगी। इतना जूसी है, इतना सॉफ्ट, कितनी आसानी से कट गया आपने देखा है। अब इसके लंबे लंबे स्लाइस करे जाएंगे और एक बार पहले गर्म पानी से धोऊंगी, लंबे लंबे स्लाइस करेंगे और इसको थोड़ा सा बटर और थोड़े से चीज के साथ में सौते करेंगे, नमक काली मिर्च डाल के इसको खाया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं फ्रॉम गार्डन टू किचन। तो फ्रेंड्स अब तैयारी करते हैं आज के ब्रेकफास्ट की। ये है आज का काटा हुआ सारा ब्रोकली, जिसके मैंने छोटे पीसेस कर लिए हैं और इसको उबलते हुए पानी में थोड़ी सी देर डालना है, ऊपर नमक स्प्रिंकल करके। और जब ये अच्छी तरह पानी उबलने लगे बस तब तुरंत ही इसको ड्रेन कर लीजिए। और ड्रेन करने के बाद देखिए कितना खूबसूरत कलर हो गया है इसका हरा। थोड़ा सा मक्खन पिघलाइए मीडियम आंच पे, बर्तन को गर्म कीजिए, उसमें बटर पिघलाइए आधा चम्मच करिए, एक फूल के लिए काफ़ी होगा इतना। और अब जब बटर पिघल जाए तो जो आपने चीज़ चाहिए होगा आपको करीब आधा क्यूब एक ब्रोकली के लिए, मैंने यहाँ डेढ़ क्यूब लिया है क्योंकि मैंने और ज़्यादा ब्रोकली ले ली थी सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। इसको ग्रेट कर लेना है और नमक काली मिर्च केवल दो ही मसाले हमको चाहिए। गरम करें बर्तन, बटर पिघला लें, उसमें डाल दें अपनी ब्रोकली जो आपने पार बॉईल करी है और पानी से निकालिए गरम पानी से, और इसमें अच्छे से उलट पलट करें, नमक डालें और डालें काली मिर्च, और काली मिर्च के साथ ही इसको अच्छे से पकने दें थोड़ी देर। बस क्रंची रहना चाहिए, बहुत गलना नहीं चाहिए इसको, खुशबू आने लग जाएगी बटर के साथ में। और एक दो बार उलट पलट दें, आँच मीडियम होनी चाहिए, बहुत सुंदर हरा कलर इसका आ जाएगा। दो एक्चुअल फूल का था उससे भी सुंदर रंग हो गया अब इसका। कोशिश करके थोड़ा सा उलट पुलट कर लीजिए इसको, हल्का सा ये फ्रेश था इसलिए वैसे ही काफ़ी मुलायम था, गर्म पानी में डाला तो थोड़ा सा गल भी चुका है, थोड़ा आँच खाकर भी गल रहा है। बस अब इस पर हमें डालना है चीज़, और चीज़ के साथ इसको मेल्ट होने दीजिए। चीज़ मेल्ट होगी इसके साथ में, रंग जाएगी इसमें, स्वाद बढ़ा देगी। नमक काली मिर्च डालिए और इसको खाने के लिए तैयार हो जाइए। बस अब तो ज़्यादा नहीं करना है आपको, ढकना नहीं है, हर समय खुला ही रखना है, ढकेंगे बिल्कुल नहीं, खुला ही बने। देखिए 5-7 मिनट का टोटल समय लगा है और ये बन के बस अब तैयार हुआ जा रहा है। सर्व कीजिए, निकाल लीजिए प्लेट में और खाइए। सुबह सुबह बच्चों को अगर आप ब्रेकफास्ट ये देते हैं तो दिन भर के लायक उन्हें एनर्जी, प्रोटीन सब कुछ इसके साथ में मिलेगा, मिनरल से तो भरपूर है ये। क्राउन ज्वेल ऑफ न्यूट्रिशन इसीलिए ही इसको कहते हैं। क्रंची, टेस्टी, वाह बहुत स्वादिष्ट। तो बनाइए, खाइए और खिलाइए। बाय फ्रेंड्स।